किसी ने क्या खूब कहा है, लोग आपके रास्ते में गड्ढे करें तो परेशान मत होना, लोग आपके रास्ते में गड्ढे करें तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल सतरंग ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से गणपति महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो गणपति महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि किसी को भी अपनी तकलीफ बताने से पहले जान ले, ये बात वरना खत्म होने की बजाय और बढ़ जाएगी परेशानी। जी हाँ दोस्तों, खुशहाल जिंदगी के लिए आज चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य की इन बातों को जरूर जानना चाहिए। दोस्तों आज चाणक्य की नीति और विचार आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन के कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। दोस्तों आज चाणक्य की विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों अपना दर्द सबको ना बताएं, मरहम एक आधे घर में होता है और नमक घर घर में होता है। जी हाँ दोस्तों, आज चाणक्य इस कथन करते हैं कि मनुष्य को हर किसी के सामने अपना दर्द शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपने दुखों का निवारण होता है, वहीं ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तकलीफ को सुनकर अपनी जली कटी बातों से तकलीफ को और बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों दरअसल जब मनुष्य तकलीफ में होता है तो उसका दिल बहुत ही भारी हो जाता है, उस वक्त वो किसी एक ऐसे कंधे की तलाश करता है जो उसकी तकलीफ को जाने। ऐसा इसलिए क्योंकि तकलीफ को अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपका मन हल्का होगा। कई बार सामने वाला आपकी तकलीफ को खत्म करने का ऐसा उपाय बता सकता है जिससे आपकी सारी तकलीफें पलक झपकते दूर हो जाएं। हालांकि हर बार सामने वाला आपकी परेशानी को समझे ये मुनासिब नहीं है। दोस्तों कई बार आप सामने वाले को अपनी तकलीफ बताते हैं तो सामने वाला उसे सुनकर मन ही मन खुश होता है। इसके अलावा वो भले ही आपकी तकलीफ को सुनकर महसूस ना करे, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है जिससे आपके मन को चोट पहुंचे। इसी वजह से आज चाणक्य ने कहा है कि अपना दर्द सबको ना बताएं, मरहम एक आधे घर में होता है और नमक घर घर में होता है। दोस्तों आगे चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों आज कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 4। अब बात करते हैं दोस्तों आज कन्या राशि फल के बारे में, कैसे रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले आज आप मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें, अपने लिए पैसा बचाने का आपका ख्याल आज पूरा हो सकता है। आज आप उचित बचत कर पाने में सक्षम होंगे। मुश्किल दौरे में आपकी जिन रिश्तेदारों ने मदद की थी उनके लिए अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें, आपका ये छोटा सा काम उनके उत्साह को बढ़ाएगा। कृतज्ञता जीवन की सुगंध को फैलाती है और एहसान फरामोश इसे तार तार कर देती है। जिसे आप चाहते हैं उसके लिए उसके साथ आपका तल्ख रवैया आपके रिश्ते में दूरी बढ़ा सकता है। आज कार्य क्षेत्र में आपके किसी पुराने काम की तारीफ हो सकती है, आपके काम को देखते हुए आज आपकी तरक्की भी संभव है। कारोबारी आज अनुभवी लोगों से कारोबार को आगे बढ़ाने की सलाह ले सकते हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत ही उम्दा रहने वाला है। आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। मुश्किल हालात से उबरने से आपके जीवन साथी की तरफ से ज्यादा सहयोग नहीं हासिल होगा। दोस्तों जीवन से संबंधित हर किसी बात में आपको दुविधा महसूस होगी, इस कारण अपना निर्णय किसी और को बता पाना आपके लिए कठिन हो सकता है। आपको संवाद कौशल को बेहतरीन करने की आवश्यकता होगी। कई सारी बातों पर ध्यान देने के कारण आपको जीवन में क्या चाहिए इस बात को भी पता लगा पाना कठिन हो सकता है। व्यवसाय संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, अन्यथा कोई कर्मचारी ही आपकी कार्य प्रणाली का फायदा उठा सकता है। सरकारी सेवारत लोगों को पब्लिक से डील करते समय उचित व्यवहार बनाकर रखना जरूरी है। दोस्तों अचानक धन प्राप्त होने से मन प्रसन्न होगा। प्रेमी जन को आज प्रपोज कर सकते हैं। कारोबार में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नई कला और स्किल सीखने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समर्पण भाव रहेगा। दोस्तों प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको निवेश करने का मौका मिल सकता है। प्रॉपर्टी के कुछ मामले फायदेमंद हो सकते हैं। आज कोई भी काम पूरा करने से आपको सहयोग मिल सकता है। जो काम आपके सामने है उन पर ध्यान दें। रिश्तों के कुछ मामलों में आपको काफी व्यस्त हो सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। किसी खास शख्स से आज मुलाकात हो सकती है। दोस्तों पिता की सेहत को लेकर चिंता रहेगी, अपनी सेहत का ध्यान रखें। सीनियर्स और बॉस के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं जिन्हें समय रहते सुलझाने की जरूरत होगी, वरना इसकी वजह से कार्यस्थल पर आपकी एकाग्रता भंग होगी। पैसों से जुड़े कुछ मामले आपके लिए पेचीदा भी साबित हो सकते हैं। ऑफिस या बाजार में भी कोई आपकी पीठ पीछे किसी तरह का षड्यंत्र रच सकता है।
दोस्तों आज आपका दिन नई उमंग लेकर आएगा। कार्य व्यापार में उम्मीद के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। आपको धन के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आय को शॉपिंग भी कर सकते हैं। मिल बांट कर काम करने की नीति अपनाएं। आवश्यक चर्चा के दौरान सावधानी रखें। दफ्तर का माहौल सकारात्मक रहेगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। किसी से अचानक मुलाकात मधुर रिश्ते में बदल सकती है। दोस्तों गणेश जी की कृपा से बिगड़े हुए काम तेजी से बनेंगे। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल अवश्य कर लें। ड्राइविंग करते समय पूरी सावधानी बरतें। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने के योग है। नई योजना बनेगी। कोई नया काम शुरू करने के योग है। सांसारिक सुख सुविधाओं में कमी आएगी एवं लक्ष्यों को पाने में बाधाएं आएंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का पदार्पण हो सकता है। दोस्तों अपने वैवाहिक जीवन को नजरअंदाज ना करें। आपका अपने जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। बिना सोचे बोलने की आदत आज आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। अस्थिरता आपके व्यवसाय में बाधा उत्पन्न करेगी। जो एक मुश्किल समस्या आपके सामने आई है उसे पनपने ना दें बल्कि चर्चा के दौरान उसे सुलझाने की कोशिश करें। पैसे से संबंधित मुद्दों के प्रति सावधान रहें। विदेशी व्यापार से लाभ होने के मजबूत संकेत हैं। दोस्तों चिकित्सा निदान पर कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। आप फूड पॉइजनिंग से पीड़ित हो सकते हैं। खाने की आदतों में लापरवाही जटिल संबंधी परेशानियों को जन्म दे सकती है। आहार में थोड़ा परिवर्तन करने से समस्या का हल किया जा सकता है। दोस्तों अपने विचार और मत अपने पास ही रखें। मानसिक स्पष्टता पाने के लिए आपको कुछ समय लगेगा। आवश्यक हो तभी यात्रा करें। अजनबियों के साथ अधिक मित्रता ना दिखाएं। चीजें आपकी अपेक्षा के अनुसार काम नहीं कर रही है। निराश ना हो। दोस्तों ग्रह गोचर सकारात्मक है। प्रतिष्ठित लोगों के साथ समय व्यतीत करना और सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेना आपके व्यक्तित्व को और अधिक निखारेगा। विद्यार्थियों को भी एडमिशन संबंधित कोई चिंता हो सकती है। इस समय किसी प्रकार की आर्थिक नुकसान होने की आकांक्षा लग रही है, इसलिए रुपए पैसा का लेन देन करते समय बहुत ही अधिक सावधानी बरतें और कहीं भी निवेश ना करें। आपके अपने मित्र ही आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। दोस्तों व्यवसाय संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, अन्यथा कोई कर्मचारी ही आपकी कार्य प्रणाली का फायदा उठा सकता है। दोस्तों सरकारी सेवा लोगों को पब्लिक से डील करते समय उचित व्यवहार बनाकर रखना जरूरी है। दोस्तों आप अपनी व्यस्तता की वजह से घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग आपको आत्मविश्वास और आत्मबल प्रदान करेगा। व्यवसाय संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, अन्यथा कोई कर्मचारी आपकी कार्य प्रणाली का फायदा उठा सकता है। सरकारी सेवारत लोगों को पब्लिक से डील करते समय उचित व्यवहार रखना जरूरी है। दोस्तों आप अपनी व्यस्तता की वजह से घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग आपको आत्मविश्वास और आत्मबल प्रदान करेगा। कोई पुराना रोग दोबारा उठ सकता है। लापरवाही ना बरतें तथा नियमित दवाइयां लें। दोस्तों नवम भाव में मंगल और राहु की उपस्थिति होने के कारण आपको थोड़ा स्वास्थ्य समस्या के प्रति संजीदा रहना होगा। आपको कमर में दर्द या जंगा में दर्द हो सकता है, कोई चोट भी लग सकती है, इसलिए सावधानी रखें। बृहस्पति के छठे भाव में आ जाने से खानपान का लेकर आपको ज्यादा सचेत रहना होगा, क्योंकि ये समय आपको लीवर या गुर्दे में संबंधित कोई समस्या दे सकता है। हालांकि समस्या ज्यादा बड़ी नहीं होगी, फिर भी उस पर सावधानी बरतना जरूरी होगा, अन्यथा आने वाले समय में आपको परेशानी दे सकता है। तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से गणपति महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो गणपति महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपकी सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोहित कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर और पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यह आएगा राशिफल अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका दिन शुभ। नमस्कार दोस्तों, राधे। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले